और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो नोएडा से, जहां पर 24 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। कृषि भूमि दिलाने का झांसा देकर ठगी की गई है। ठगों ने चार लोगों के 24 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। 16 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पीड़ित को जमीन संबंधी फर्जी कागजात दिए, रुपए वापस मांगने पर धमकी दी। थाना सेक्टर 63 में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं, 24 करोड़ की ठगी यहां पर अंजाम दी गई है। दरअसल कृषि भूमि दिलाने का झांसा देकर इस ठगी को अंजाम दिया गया और ठगों ने चार लोगों से 24 करोड़ रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। 16 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? देखिए, आपको बता दें कि जेवर में लगातार अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है और उसी प्लॉटिंग और जेवर एयरपोर्ट को दिखाकर उसकी प्रेजेंटेशन करके लोगों के साथ ठगी की जा रही लगातार। एक तरफ जहां थी अपनी कार्रवाई कर रही, वहां दूसरी तरफ लोगों को भी अपना शिकार बनाया जा रहा है और इसी क्रम में ये एक नया मामला सामने आया जिसमें 24 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है कुल चार लोगों से। और पुलिस आयुक्त की शिकायत के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि साल 2022 में ही सौदा तय हुआ था और 100 से 200 एकड़ जमीन दिलाने की बात कही थी, लिहाजा फर्जी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए। जो तमाम चीजें जब डिटेल्स मांगी गई उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए वो सब फर्जी थे। उसके बाद जांच में पता चला कि ऐसी कोई जमीन अस्तित्व नहीं है, लिहाजा 16 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ अज्ञात के खिलाफ भी दर्ज किया गया। 420, 467, 68, 71, 70 इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।